क्या बोलते हो सेठ भाई, कैरियर से? यार रोजा लग रहा क्या? नहीं हाँ लग तो रहा, अभी थोड़ा अभी जाएंगे पेट भरे हैं तो सब सही हो जाएगा। ठीक है, तुमको बाहर करने का भाई। अच्छा बाहर हे प्रभु, हे हरिराम जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? अच्छा भी बोल रहा है। Assalamualaikum, welcome to the new vlog, vlog number 33. आज हम लोग है दिल्ली दरबार, वो भी जाफर भाई के। तो आप देख सकते हैं यहाँ का एम्बियंस, बेहतरीन एम्बियंस, और ऐसा लग रहा है कि एकदम बैंड्रा पवई में आ गए। लेकिन ये देवनार में ये माशाल्लाह इतना अच्छा एम्बियंस आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम आज इफ्तार करने वाले हैं। तो फिलहाल आप लोग जो एम्बियंस देखे, हम लोग इफ्तार की तैयारी करते हैं। मस्त है माशाल्लाह, स्वीट है ये जो है। यहाँ पर मेरे ख्याल से 10 लोग कंपनी हो सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ये भी दस्तरखान है माशाल्लाह। ओहो ये हरा नहीं चले, सुभान अल्लाह। और यहाँ पर अब जो है इंशाल्लाह 15 से 16 लोग आके कंपनी हो सकते हैं। लाइटिंग काफी अच्छी है, काफी यूनिक, और इनका टेक्सचर जो दीवार का है काफी उठ के आ रहा है माशाल्लाह। इट्स जस्ट लाइक अ 5-स्टार होटल। तो जब भी आप देवनार चेंबूर में हो, डीमार्ट के सामने जाफर भाई दिल्ली दरबार में जरूर आना। इफ्तारी भी अवेलेबल है यहाँ पर, सहरी है भाई, सहरी भी अवेलेबल है, डिनर भी है। तो इंशाल्लाह रमजान में आप कब एक बार जरूर इसमें आना। चलो अभी हम इफ्तारी का टाइम हो गया। आज हम जाफर भाई दिल्ली दरबार में हैं, तो इंशाल्लाह चलो पहला रोज़ा खोल लेते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको इसके इफ्तार मील बॉक्स बताएंगे। क्योंकि पहला मेरे ख्याल से हमें नमाज से फारिग हो जाना चाहिए, फिर इंशाल्लाह बॉक्स का जो है उद्घाटन करेंगे। बिस्मिल्लाह। खजूर का जो टेस्ट आपको पता है, इसमें क्या बताना है आपको। ذهب الزمن وابتلت الأروق وثبت الأجر إن شاء الله। ये दुआ के मायने भी काफी अच्छे हैं। प्यास बुझ गई, रगे तर हो गई, सवाब मिलेगा इन शाह। ओके सो गाइस, इफ्तार मील बॉक्स तो मैंने आपको बताया बाहर के इफ्तार मील बॉक्स में क्या क्या चीजें मिलती है। जैसे कि हमने समोसा देखा था, खीमे का समोसा था, उसके बाद कटलेट्स था, और बहुत सारी वैरायटीज थे। तो हमने सोचा कि भाई इतने बड़े होटल में आके अभी हम लोग खाली इफ्तार मील बॉक्स है तो शोभा नहीं देता है, राइट। तो यहाँ के जो मेन डिशेस है, यहाँ का जो मेन यूएसपी, हम लोग ने वो ऑर्डर किए। इंशाल्लाह हम लोग अभी मटन खफ्सा खाने वाले हैं, और उसके बाद हमने आल बैग चिकन भी ऑर्डर किया है, और बहुत कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे बजट में इतना ही था इंशाल्लाह। क्योंकि हम ऑलरेडी इफ्तारी थोड़ी हो चुकी है और तरावी भी पढ़ना है, तो ज़्यादा हैवी खाना ठीक नहीं है। बट आई मस्ट से इट्स अ गुड प्लेस फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो एम्बियंस के लिए तो मैं 5 आउट ऑफ 5 दे दूंगा। आप खाने का वेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह खाने को टेस्ट करके फिर बताएंगे कि
किस तरीके से लजीज खाना है। वैसे लजीज ही होगा क्योंकि ब्रांड है जाफर भाई। तो भाई मुंबई में अगर 7 ब्रांचेस है तो समझ जाना कि ब्रांड में कुछ है, नहीं तो इंसान जो एक ही इसमें रहता है। तो यहाँ पर 7 ब्रांचेस है तो इसका मतलब कुछ तो खासियत है इस ब्रांड में। तो चलो टेस्ट करके फिर भी आपको बता, आपको भी फ्री मिलेगी और सबको फ्री है ये जो कांदा, काफी स्पेशल। नहीं हाँ मैं तो सच्ची बोलूँ ये हाइजीनिक कांदा लग रहा है। ये कांदे में देखो, ये कांदा भी पौष है यहाँ का। रख दो, मैं ले लेंगे। अल बेक चिकन ऑल द वे फ्रॉम सऊदी। ये हमारा आ चुका है अल बेक चिकन। चलो पहले एक पीस ट्राई करके आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाह, क्रिस्पी लेयर है। ऐसा स्टार्टिंग में मुझे लगा नहीं कि क्रिस्पी होगा, बट इट हैज अ क्रिस्पी लेयर। और अंदर जो ये ऐसा फुला हुआ नहीं है, आप देख सकते हो अंदर की फीलिंग जो एकदम दबी हुई है। एंड यूनिक कटलेट आई मस्ट से। माशाल्लाह सुगंध काफी अच्छी है और ये ऑथेंटिक जो है मटन खफ्सा, और मैं इसको पॉश खफ्सा बोलूंगा। अच्छे से मिक्स हुए हैं। अंडा भी देखो, इनका अंडा भी एकदम पॉश है, एकदम रॉयल गोल्डन टच। नॉर्मल व्हाइट अंडा रख के देते यहाँ पर, अंडे को भी आई गेस थोड़ा हल्का फ्राई किया अंडे को, है ना। हाँ ऐसे ही कोई खफ्सा नहीं है, इसलिए ये नाम है दिल्ली दरबार का। चलो अभी टेस्ट कर लेते ग्रेवी के साथ। हर बार हम लोग चिकन खाते, ये बार हमने थोड़ा बजट बढ़ा के मटन मंगाया है। बिस्मिल्लाह, स्टार्टिंग में इतना नहीं पता चल रहा है, धीरे धीरे जब उतर रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह रेटिंग इनकी बढ़ती जा रही है। स्टार्टिंग में जब मुंह में लगा तो 4 था, अब जैसे अंदर गया तो 4.8 रेटिंग में इंशाल्लाह इसको दूंगा। इनका मटन भी टेस्ट कर लेते हैं। कैमरामैन कैन जूम इन ओवर हियर। और इसके जो मटन आप देख रहे हो अच्छे से गल गया है, ऐसा नहीं कि वो उबाल के दे दिए। जैसे कि चीता कैम में, मैं आपको बता दूं टेस्ट करने से पहले, चीता कैम में 4-5 साल पहले खप्सा स्टार्ट हुआ था, तो सब खप्सा पता नहीं था तब को। तो सब लोग क्या, वो फ्राइड राइस लिया, फ्राइड राइस थाली में डाला, उसके ऊपर सूप डाल दिया, चिकन ग्रेवी डाल दी और बोल दिया खप्सा खप्सा करके। तो धीरे धीरे जाके पब्लिक को पता चला कि भाई खप्सा क्या होता है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरेबिक और माओ चाइनीज फेमस था जो अफजल है, उसके बाद बाकी रेस्टोरेंट ने भी अडॉप्ट किया। और ज़्यादातर आप देखेंगे हर जगह पे खप्सा ही चलता है आजकल, तो एक तो चाइनीज चल जाता है बजट के लिए, और उसके बाद अगर 5-6 लोग हैं तो खप्सा इज द मेन डिश। चलो अभी टेस्ट कर लेते हैं वापस से मटन के साथ, थोड़ा काजू भी है इधर पे। और अंडा तो माशाल्लाह मेरे को सबसे अच्छा अंडा लगा, अंडा फ्राई करके डाले। मजा आ गया भाई, आप भी आइए इसको ट्राई कीजिए। और गोश्त को चबा चबा के उसका जो टेस्ट है ना, ऐसा एहसास कीजिए। तो गोश्त कॉस्टली होता है ना, उसको थोड़ा पूरा लुफ्त उठाना चाहिए। माशाल्लाह मजा आ गया। हाँ ये बम डाल रहा है इसके बाद ये पीना लाजमी है भाई। ऑथेंटिक मटन कफ्सा खा के इतना मज़ा आया मैं क्या बताऊँ। माशाल्लाह काफ़ी टेस्टी था, हमने लुफ लेके खाए। ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है हमारा काफ़ी अच्छा था जाफर भाई दिल्ली दरबार में, तो मैं इसको 4.8 आउट ऑफ 5 दूंगा। और लास्ट में हमारा स्वीट डिश है, तो प्लीज़ क्या है भाई, ये शाही टुकड़ा। माशाल्लाह ओके गाइस, तो ये शाही टुकड़ा आ चुका है। तो ये जो है ब्रेड से बनता है, ऊपर जो है रबड़ी मलाई है माशाल्लाह, और उसके ऊपर आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट किशमिश एंड बादाम और थोड़ा केसर भी है। जबरदस्त, अब तक का जो 3 डिश खाया ना मैंने यहाँ पर, सब में बेहतरीन डिश थी ये। नीचे अच्छा सा लेयर है, गरम 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 है, ऊपर जो है जो रबड़ी वो जो फैला दिया है, और ब्रेड एकदम नरम है, और अंदर जाके मस्त आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा ये खा के। तो माशाल्लाह मजा आ गया। और कुछ बचा रॉबर्ट? नहीं, दावत दे रहे हो और आपके पास बजट आप सोच समझ के रखे हो, तो पहला सब लोग को जूस पिला दो।
ये मेरी स्ट्रेटेजी है, पहला जूस पिला दो या फालूदा पिला दो, फुल कर दो, उसके बाद खप्सा ऑर्डर करो, हाफ खप्से में काम बन जाएगा पांच लोग का इंशाल्लाह। तो हमारे जवाहर भाई कैमरामैन के मुंह से पानी टपकते हुए वीडियो भी जो देख रहे माशाल्लाह बोलते रहो भाई, पता चला अगले दिन हमें लूज मोशन रख गए, देने का मन नहीं कर रहा किसको भी, फिर भी देना पड़ेगा, मजा आ गया, क्रीमी ले यार, लो।